हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन में हम इंटरनेट के कुछ अलग अलग तरह के जो सर्विसेज होती हैं या जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इंटरनेट ऑफर्स द सेवरल इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज ऑफ फीचर्स ऑफ सर्विसेज विच आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर क्या है, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं और उसके कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, जिसको कि हम अभी जो है डिस्क्राइब करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, थ्री बाय डब्ल्यू मीन्स दिस द वर्ल्ड वाइल्ड वेब। अब डब्ल्यू 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 इज एन इंफॉर्मेशन सर्विसेस दैट कैन बी यूज टू सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जब डब्ल्यू डब्ल्यू जो है इसको डब्ल्यू 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 ये क्या है, एक तरह से क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ठीक है उसको क्या करता है, सेंड करता है, रिसीव करता है जो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू उसको क्या करेगा, सेंड और रिसीव करेगा। और उसके लिए क्या यूज करेगा, जो इंटरलिंक हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड और रिसीव करता है। वेब पेजेस में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया कंपोनेंट एज वेल एज द वेब नेविगेशन फीचर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ द हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो जो वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस के अंदर क्या क्या होता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है या फिर कोई अदर मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे फ्लैश वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर इस तरह से एक फीचर्स ऐड होता है जो क्या करता है कि जो वेब पेज होता है ना उसमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, हाइपरलिंक के थ्रू। द डॉक्यूमेंट आर फॉर्मेटेड इन द मार्कअप, फॉर्मेटेड इन ए मार्कअप लैंग्वेज इज कॉल्ड द एचटीएमएल, दिस इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, जो मार्कअप, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं हम एचटीएमएल, ये इसके अंदर क्या होता है, इसको फॉर्मेट किया हुआ होता है। दैट प्रोवाइड द लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट एज वेल एज द ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। ठीक है, तो ये एचटीएमएल है, एचटीएमएल क्या है, एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है जो एक तरह का फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें क्या कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के बीच में क्या करता है, ये लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके थ्रू उसके उसमें कहाँ होता है, जैसे ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो, ठीक है, ये फाइल क्या होती है, जो लिंक है उसके थ्रू क्या होती है, ओपन हो जाती है, या उसको लिंक क्या होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट से या एक पेज से दूसरे पेज तक क्या करते हैं, मूव ऑन हो जाते हो, मूव कर लेते हो। द वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड अपॉन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेयर ए क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये किस पे बेस्ड है, एक क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर होता है जिसमें क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर क्या करता है, उसको प्रोसेस कर देता है, प्रोसेस कर देता है जो भी रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसको प्रोसेस करता है। अगर मान लो कोई सपोज कोई क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी किसी डेटा के लिए, अगर वो सर्वर के ऊपर अवेलेबल होगा तो वो क्या कर देगा, उसका वापस क्या कर देगा, उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, साथ में एक्नोलेजमेंट भेज देगा। द डब्ल्यू 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 क्लाइंट इज कॉल्ड ए वेब ब्राउजर एंड ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए सर्वर इज कॉल्ड द वेब सर्वर। ठीक है, तो जो इसमें होता है, जो उसका जो डब्ल्यू 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 क्लाइंट होता है उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू क्या करता है कि रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट, और वेब सर्वर जो होता है या डब्ल्यू डब्ल्यू सर्वर इसको बोलते हैं वेब सर्वर, जिसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सपोज एक ये क्या हो गया, क्लाइंट मशीन हो गई, ठीक है, और इधर क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया। तो रिक्वेस्ट क्या हो रही है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट से मीन्स जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये ब्राउजर है और ये क्या हो गया, सर्वर है। तो क्लाइंट से किसके पास जा रही है, सर्वर के पास जा रही है, सर्वर उसको वापस क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, या तो ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा या नहीं होगा, तो उसको क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स या एक्नोलेजमेंट भेज देगा। और अगर सपोज ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो वो क्या करता है, इस जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के साथ में क्या करता है, वो डेटा भी क्या कर देता है, जो है ब्राउजर को सेंड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसका जो क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, वर्क करता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिस इज द एचटीएमएल। एचटीएमएल इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस व्हिच आर देन डिस्प्लेस बाय द वेब ब्राउजर। ठीक है, एचटीएमएल क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग, जिसमें क्या करते हैं कि जो है जिसमें वेब पेजेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिसको क्या जो वो जो वेब पेज है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, वेब ब्राउजर के ऊपर क्या होते हैं, उस पर डिस्प्ले हो जाते हैं।
दिस लैंग्वेज टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट पिक्चर्स एंड लिंक्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये लैंग्वेज क्या करती है, जो ब्राउजर है, ब्राउजर को एक तरह से क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो डिस्प्ले, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट किस तरह से उसमें डिस्प्ले होगा, पिक्चर्स उससे किस तरह से विजिबल होगी, और जो लिंक है ना, उस लिंक के थ्रू उस पर जो स्क्रीन के ऊपर किस तरह से वो विजिबल होगा या डिस्प्ले होगा। HTML इज ए लैंग्वेज दैट सपोर्ट द मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स पिक्चर्स इट इज, है ना। तो ये जो HTML है, ये क्या करता है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक्स होती है, पिक्चर्स होती है, ये सारा का सारा क्या होता है इसमें, अगर मल्टीमीडिया का सपोर्ट कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएटिंग द हाइपरलिंक सो दैट द वेरियस डॉक्यूमेंट कैन बी लिंक टूगेदर। ठीक है, तो इसमें जो वेब पेज होते हैं, एक पेज को क्या करते हैं, दूसरे पेज के साथ में क्या करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं इसमें, उसको एक दूसरे के साथ लिंक करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसमें हाइपरलिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। एक पेज पे गए दूसरे पेज पे, एक पेज से हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया दूसरे पेज का, दूसरे पेज से हमने तीसरे पेज का हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल पेजेस को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में हाइपरलिंक कर सकते हैं। व्हेन ए पर्सन क्लिक ऑन द स्पेसिफिक लिंक द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लिंक इज डिस्प्ले। ठीक है, मान लो कि जैसे कोई हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ, किसी एक पेज के ऊपर हाइपरलिंक क्लिक किया है, तो जब कोई पर्सन उसके ऊपर हाइपरलिंक पे क्लिक करता है, तो वो क्या करता है कि उस हाइपरलिंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उस पेज के ऊपर वो क्या करता है, वो पेज उसके सामने डिस्प्ले हो जाता है। HTML इज ए डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। ये क्या है कि जो है डॉक्यूमेंट लेआउट है और हाइपरलिंक जो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, such that the language that use the various coded element known as the tag and formatting the document and specify the hyperlink। ठीक है, तो इसमें जो है, जो ये इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इसके जो जो कोड होता है, कोड पास करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग पास करते हैं। ठीक है, इस टैग के थ्रू उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, उसको हाइपरलिंक प्रोवाइड करते हैं। HTML document can be written using the any text editor। ठीक है, कोई भी हम text editor को use कर सकते हैं, चाहे वो notepad हो या notepad 2 हो। ठीक है, उसमें हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, उसको .htm या .html extension से सेव करके हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एनी HTML document इन जनरल कंटेन द लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी HTML document होगा या HTML फाइल होगी, उसमें कुछ 3 एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। एक तो उसमें होगा HTML, ठीक है, दूसरा होगा हेड, और तीसरा होगा उसमें बॉडी। ठीक है, इन तीनों के थ्रू क्या होता है कि जो भी वेब पेज क्रिएट करते हैं या HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें हम इन तीनों का यूज करते हैं, HTML, हेड और बॉडी। ठीक है, दिस एलिमेंट आर स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव टैग। ठीक है, तो ये जो हम एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, HTML, हेड और बॉडी, ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ये जो हमने टैग लिया है, टैग के बीच में हमने क्या कर दिया, इसको इसमें HTML पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे HTML पास किया, ये बिगिनिंग के लिए हो गया, और ये यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे स्लेस लगा के HTML फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे, HTML टैग के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कंटेंट आपको पास करना है, वो HTML टैग के बीच में होगा। फिर उसके बाद होता है इसमें हेड होता है, हेड भी वैसे ही पास करेंगे, हेड की ओपनिंग होगी, हेड की क्लोजिंग होगी, देन बॉडी पास करेंगे, बॉडी की भी ओपनिंग होगी, बॉडी की क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, HTML उसमें राइट करेंगे, HTML टैग, देन उसके अंदर पास करेंगे हेड। ठीक है, तो हेड क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर जो टाइटल है, ठीक है, जो हम पर्टिकुलर जो ब्राउजर है या जो पेज है, HTML पेज है, उसको जो स्पेसिफिक हम टाइटल स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो हेड के अंदर पास कर देंगे। और बॉडी के अंदर क्या होगा, जो भी कंटेंट हम क्या करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, या जो भी पेज है, वेब पेज है, उसके अंदर हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो कंटेंट किसमें पास कर देंगे, बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, हेडर भी हो सकता है, टेबल्स भी हो सकता है, कोई इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है। ठीक है, तो वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो हम जैसे वीडियो है, वीडियो का क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं, इमेज का भी हम उसके अंदर हाइपरलिंक पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी क्लोज कर दिया, देन उसके बाद HTML जो टैग है उसको क्लोज कर देंगे।
तो सारा का सारा कंटेंट इस तरह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पेज के अंदर स्पेसिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर पास किया है पर्टिकुलर किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, तो ये क्या एचटीएमएल, देन उसके अंदर पास किया हेड, हेड के अंदर गए, हेड के अंदर पास कर दिया टाइटल, इसमें पास कर दिया दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, फिर टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी में गए, बॉडी के अंदर स्पेसिफाई किया आई एम राइटिंग माई फर्स्ट पेज यूजिंग एच टी एम एल। ठीक है, तो एच टी एम एल जो है पेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो राइट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसको बॉडी को क्लोज कर दिया, देन उसके बाद एच टी एम एल ये पास कर दिया। ठीक है, तो जब इसको आप सेव कर देते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को हम सेव करेंगे नोट पैड के थ्रू जाके, जब इसको सेव करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर फाइल है, जैसे मान लो इसका जो भी नेम दिया है, तो अगर सपोज इसका नाम मान लेते हैं हमने, इसका नाम दिया नोट डॉट, अभी जब हम टाइप कर रहे थे उस टाइम पे क्या टी एक्स टी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे नोट डॉट एच टी एम। ठीक है, तो एच टी एम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। जब इसको ओपन करोगे तो इस फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो फर्स्ट पेज है वो एच टी एम एल का क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नाउ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दिस द एक्स एम एल। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज ए टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर टू क्रिएट देयर ओन टेक्स्ट टू स्टोर डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है, तो जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ये क्या होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, देन ये क्या करती है, जो यूजर होता है यूजर को क्या करती है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो क्या करे, खुद का टेक है ना, खुद का टेक क्रिएट कर ले और उसमें जो भी पर्टिकुलर डेटा है उसको स्टोर करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो अगर यूजर अगर कोई अपना खुद का टेक क्रिएट कर रहा है, मतलब ये एक तरह के जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो डायनामिकली क्या करती है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो भी डायनामिक कंटेंट पास करना होता है वो किसमें हम पास करते हैं, एक्सएमएल के अंदर पास करते हैं। हाउएवर द स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द डिफरेंट वे। ठीक है, उसको जो भी उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसको हम अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इन एक्सएमएल द टैग आर नॉट प्री डिफाइंड। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, जो टैग थे वो पहले से प्री डिफाइंड थे, लेकिन एक्सएमएल के अंदर कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं होती, रदर दे आर क्रिएटेड बाय द यूजर फॉर देयर ओन पर्पस। ठीक है, तो इसको जब है जो यूजर है वो अलग अलग तरीके से उसको जैसा यूज करना हो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसके जो टैग है उसको क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अनलाइक एचटीएमएल इन एक्सएमएल टैग आर कैश सेंसिटिव। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर जो टैग होते हैं वो कैश सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन एक्सएमएल के अंदर ही क्या होते हैं, कैश सेंसिटिव होते हैं। एंड ईच टैग मस्ट बी करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी चीज आप पास कर रहे हो वो उसकी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। ठीक है, क्लोजिंग के अंदर ही पूरा पूरा जो भी कंटेंट है वो क्लोजिंग टैग के साथ ही पास होगा। इट इज अ जनरल पर्पस स्पेसिफिकेशन दैट अलाउ द यूजर टू क्रिएट कस्टम मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एक जनरल पर्पस स्पेसिफिकेशन जो यूजर को क्या करता है कि एक जो मार्कअप है ना, कस्टम मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है, आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करता है कि आप एक स्पेसिफिक जनरल पर्पस क्या कर सकते हो, पेज में जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हो। XML was designed to carry data and not to display data. ठीक है, तो XML का जो मेन पर्पस है वो क्या कहता है, डेटा को कैरी करने के लिए होता है, ना कि उसका जो है डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए नहीं होता है। ओके, फॉर द फॉर्मेटिंग डेटा ए स्प्रेड स्टाइल सीट नॉन एज द कैस्केडिंग स्टाइल सीट इज यूज। ठीक है, तो इसके जो डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक स्टाइल सीट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट का यूज किया जाता है इसके अंदर। XML इज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जिसको हम बोलते हैं W3C। ठीक है, इसने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था। इट इज ए फ्री ओपन स्टैंडर्ड, ये फ्री ओपन स्टैंडर्ड है। द W3C रिकमेंडेशन स्पेसिफाई बोथ द लेक्सिकल ग्रामर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्सिंग। ठीक है, इसने क्या किया कि जो है जो W3C ने उसको रिकमेंड किया। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या कर दे, जो लेक्सिकल ग्रामर और जो उसकी जो पार्सिंग है, पार्सिंग की रिक्वायरमेंट के लिए इसको क्या कर दिया, रिकमेंड किया। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट। सबसे पहले पास कर दिया XML डॉक्यूमेंट के लिए जो हेडर इस टाइप से पास कर देते हैं। फिर इसमें एक देख रहे हो क्लाइंट,
ठीक है, ये क्या है, यूजर डिफाइंड क्या है, टैग है, इसके अंदर पास कर दिया क्लाइंट, देन यहाँ पास किया शुरू में क्लाइंट आईडी, ठीक, क्लाइंट आईडी पास कर दिया, देन उस क्लाइंट आईडी को क्लोज कर दिया, फिर पास किया क्लाइंट नेम, ठीक है, यहाँ पे पास किया जॉनसन, ठीक है, देन उस क्लाइंट नेम को क्लोज कर दिया, फिर पास किया कंपनी, देन यहाँ पे पास किया एप्पल, फिर इसको कंपनी को क्लोज कर दिया, फिर क्लाइंट को पूरा क्लोज कर दिया, फिर अगेन क्रिएट किया क्लाइंट, फिर उसके बाद पास किया क्लाइंट आईडी नेक्स्ट, ठीक है, जैसे यहाँ क्लाइंट आईडी नेक्स्ट पास कर दी C101, ठीक है, देन उसके बाद क्लाइंट आईडी क्लोज कर दिया, फिर अगेन क्लाइंट नेम पास किया, उसमें एक नेम पास कर दिया, फिर उसको क्लोज कर दिया, फिर इसमें पास की कंपनी, कंपनी का नेम पास कर दिया, देन उस पर्टिकुलर क्लाइंट को क्लोज कर दिया, फिर उस एक्सएमएल टैग को पूरी तरह से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जो है जो एक्सएमएल है, एक्सएमएल में क्या होता है कि यूजर डिफाइंड टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसमें इसके थ्रू क्या है, अलग अलग ये जैसे ये डेटा पास हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर जो डेटा है उसमें यूजर का डेटा क्या हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द HTTP। HTTP इज यूज टू ट्रांसफर ऑल द फाइल्स एंड अदर डेटा लाइक कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिसोर्स, ठीक है, इसको जो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट है HTTP, ये क्या कहता है कि जो भी फाइल्स है और जो भी डेटा है, ठीक है, उसको क्या कहता है, वन एक कंप्यूटर से क्या कहता है, दूसरे कंप्यूटर या दूसरे जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके थ्रू क्या करता है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको क्या कर देता है, पास कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है कि इंटरनेट पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। द HTTP डिफाइंस हाउ डेटा इज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो ये मेनली क्या बताता है कि जो डेटा है उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है कि वो ब्राउजर पे किस तरह से विजिबल होगा, ठीक है, और उसको किस तरह से ट्रांसफर करेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, एक जो पर्टिकुलर नेटवर्क है या जो इंटरनेट है उसमें वो क्या होगा, पूरे पूरे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल स्पेसिफाई कर रहा है। वेन एन HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट मीन्स कौन सा हो गया, ए ब्राउजर, ठीक है, सेंड ए रिक्वेस्ट टू द HTTP सर्वर, ये क्या हो जाएगा, वेब सर्वर, ओके, द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट मीन्स ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट गई किसके पास, HTTP सर्वर के पास, तो सर्वर ने क्या किया, फिर उसको रिस्पॉन्स भेज दिया वापस किसके पास, क्लाइंट के पास, ओके। तो इस तरह से किसमें प्रोसेसिंग होती है, दिस ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज डन बाय HTTP प्रोटोकॉल। तो ये जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और रिस्पॉन्स वापस रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है इसको किसके थ्रू हो रहा है, ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, एक तरफ से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट वापस अगेन उसको रिसीव कर रहा है, रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कुछ मेन फीचर्स हैं HTTP डॉक्यूमेंट्स के, इट इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स, दिस मीन दैट द सेवरल कमांड आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी जो कमांड्स होती है, ठीक है, वो साइमल्टेनियसली क्या होती है, इसमें एग्जीक्यूट होती है विदाउट नोइंग द कमांड विच इज द ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग बिफोर द अनदर कमांड, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर जो जैसे ऑलरेडी कोई कमांड एग्जीक्यूट होती है उसके बाद क्या हो जाएगी, दूसरी कमांड इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी साइमल्टेनियसली। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स दैट यूज द क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो क्या कहता है, सर्वर और ये क्लाइंट और सर्वर मॉडल को क्या करता है, ये यूज करता है। द ब्राउजर मीन्स क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर प्रोसेस इट एंड सेंड द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, ठीक है। तो सर्वर जो ब्राउजर है, ब्राउजर ने क्या कर दी, रिक्वेस्ट सेंड कर दी किसको, सर्वर को, ठीक है, सर्वर ने उसको क्या कर दिया, वापस प्रोसेस किया, अगेन प्रोसेस करके प्रोसेस कर दिया जो भी रिक्वेस्ट थी, और उसके बाद वापस क्या कर दिया, उसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या कर दिया, क्लाइंट को सेंड कर देता है। इट इज यूज टू डिस्प्लेइंग द वेब पेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो वेब पेज होते हैं उसको क्या करता है, वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। डोमेन नेम्स, टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट वी कैन यूज द आईपी एड्रेस बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर वेबसाइट और कंप्यूटर एवरी टाइम, ठीक है। अगर जैसे हम मान लो कि इंटरनेट के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक
ठीक है, आईपी एड्रेस का फॉर्म किस टाइप से होता है, जैसे ये पास कर दिया मैंने आईपी एड्रेस, ठीक है ये कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है ये आईपी एड्रेस पास कर दिया, देन दिस इज आईपी एड्रेस, ठीक है ये स्पेसिफाई कर दिया ये कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसको आप बार बार जब कम्युनिकेशन करेंगे तो हम इसको याद तो नहीं रख सकते ना बार बार, यही नंबर आपको बार बार कम्युनिकेट करना है, तो अब इसी नंबर के थ्रू क्या करें वापस में टाइप करो, ठीक है बार बार रिक्वेस्ट सेंड करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अब इस ये हमको याद करना इसमें पॉसिबल नहीं होगा कि पर्टिकुलर कोई वेबसाइट का जो भी एड्रेस है, ठीक है तो हम हर टाइम तो इसको याद नहीं रख सकते, तो उस केस में क्या कहते हैं डोमेन नेम मेक इट इज इजियर टू रिसॉल्व द आईपी एड्रेस इन टू द नेम्स, ठीक है। तो जो डोमेन नेम है, ठीक है डोमेन नेम इससे क्या कहता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जैसे मान लो कि स्पेसिफाई कर दिया मैंने इसका कोई पर्टिकुलर नेम स्पेसिफाई कर दिया, इसका नाम पास कर दिया डीबी ज्ञान, ठीक है डॉट इन, ठीक है। अब ये इसके कंपैरिजन में, ये नंबर्स के कंपैरिजन में इसको याद करना क्या हो गया, ये इजी हो गया। तो ये जो नेम हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे डोमेन नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया cbc.nic.in, ठीक है ये एक डोमेन नेम पास कर दिया, फिर google.com ये दूसरा पास कर दिया, फिर meritnation.com, ठीक है ये एक और पास कर दिया, ठीक है ये क्या हो गया पर्टिकुलर डोमेन हो गया। इट इज द सिस्टम विच असाइन द नेम ऑफ सम कंप्यूटर्स लाइक अ वेब सर्वर एंड मेंटेन द ए डेटाबेस ऑफ दिस नेम एंड करस्पॉन्डिंग आई पी एड्रेस, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया सिस्टम हो गया, जिसमें क्या हो गया कि कुछ इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक नेम असाइन कर दिया, ठीक है जिसमें जैसे हमने वेब सर्वर को भी नेम असाइन कर दिया, और जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हमने पास किया वो क्या चीज होगी। ओके तो हम इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जैसे जो कंप्यूटर है कंप्यूटर का जो नेम है, ठीक है जैसे हमने स्पेसिफाई कर दिया वेब ब्राउजर क्या होगा, देन उसके साथ में हम जो डेटाबेस है डेटाबेस को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो उसके करस्पॉन्डिंग उसका पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस वो क्या हम इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। डोमेन नेम आर यूज टू इन यूआरएल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वेब सर्वर, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम है ये एक तरह से क्या कर रहा है एक यूआरएल प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो भी वेब सर्वर है उसको हम क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने पास कर दिया एक यूआरएल दिस इज द एचटीटीपी, यहाँ पे पास का स्लेस देन www.cbse.nic.welcome, ठीक है एक पर्टिकुलर हमने क्या कर दिया स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या करेगा जब इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाएगा तो इसका जो वेलकम पेज है ना ये जो बाय डिफॉल्ट हमने इसमें सेट किया हुआ तो उस फाइल को ये क्या कर देगा ओपन कर देगा, और इसमें जो डोमेन नेम कौन सा हो जाएगा ये जो हमने पास किया cbse.nic, ठीक है ये क्या हो गया इसका एक पर्टिकुलर डोमेन नेम हो गया। अब जो डोमेन नेम होता है उसको हम क्या करते हैं ये अलग अलग इसमें हम क्लासीफाई कर देते हैं टू पार्ट्स में, ठीक है। डोमेन नेम इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, टॉप लेवल डोमेन नेम और दूसरा होता है प्राइमरी डोमेन नेम, ठीक है। अब इसमें होता है सब सब डोमेन नेम, ठीक है। तो जो टॉप लेवल जो डोमेन होता है जैसे इसका एग्जांपल देते हैं यहाँ पे पास किया डोमेन नेम, डोमेन नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया cbse.nic, ठीक है ये एक पर्टिकुलर नेम स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके अंदर जो इन है ये जो लास्ट में पास किया इन ये क्या हो गया एक प्राइमरी डोमेन नेम हो गया, और इसमें पास किया nic दिस द nic ये जो पास किया ये क्या हो गया एक सब डोमेन हो गया किसका इन का। फिर उसके बाद हमने पास किया सीबीएसई इज जो सीबीएसई पास किया वो क्या हो गया सब डोमेन हो गया किसका एनआईसी का, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है अलग अलग जो नेम है हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, और द टॉप टॉप लेवल डोमेन नेम कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग डोमेन नेम जो इसका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है जेनरिक डोमेन नेम्स, इसमें होता है डॉट कॉम इसको होता है कमर्शियल कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज करते हैं, फिर डॉट edu दिस इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, फिर डॉट gov दिस इज द गवर्नमेंट एजेंसी के लिए होता है, देन उसके बाद होता है डॉट mil दिस इज द मिलिट्री, एंड उसके बाद डॉट नेट ये होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, देन उसके बाद .org दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक जो डोमेन नेम होते हैं कंट्री के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे होता है डॉट इन ये किसको बताता है इंडिया, देन डॉट au दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, फिर डॉट ca दिस इज द कनाडा, देन उसके बाद डॉट ch चाइना, फिर डॉट nz दिस इज द न्यूजीलैंड, डॉट pk दिस इज द पाकिस्तान, डॉट jp दिस इज द जापान, एंड डॉट us दिस इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है हम जो डोमेन नेम है उसको अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं। URL URL stand for Uniform Resource Locator that helps
इन लोकेटिंग ए पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेजेस, ठीक है, जो यूआरएल है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो क्या करती है, जो स्पेसिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, ठीक है, कि वो कहाँ पे किस लोकेशन के ऊपर होगी, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वेबसाइट या वेब पेजेस को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है HTTP, फिर उसके बाद कॉलन, देन उसके बाद स्लैश है, दुबे बैक स्लैश है, फिर www.cbse.nic.in, फिर स्लैश है, फिर उसके बाद क्या है, academics.html, इज यू आर एल फॉर स्पेसिफाइड द वेबसाइट, है ना, एक स्पेसिफिक जो है वेबसाइट है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर CBSE की साइट है, उसके अंदर जो स्पेसिफाई करा है एकेडमिक हमने स्पेसिफाई किया है, एक पर्टिकुलर वेब पेज है, इन यू आर एल HTTP, ठीक है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एंड www.cbse.nic.in, ठीक है, इंडिकेट द IP एड्रेस, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, दिस इज द IP एड्रेस बता रहा है, और द डोमेन नेम वेयर द सोर्स इज लोकेटेड, ठीक है, जहाँ पे भी पर्टिकुलर जो सोर्स है, जो भी सोर्स फाइल है वो किस लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, तो academic.html स्पेसिफाइज द नेम ऑफ स्पेसिफाइड HTML डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट cbse.nic। तो यहाँ पे जो academic.html है, ये एक पर्टिकुलर वेब पेज है, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे किस लोकेशन के ऊपर है, किस लोकेशन के ऊपर ही है ये बता रहा है, ठीक है, academic.html, ये तो ये पूरा का पूरा जो ये है, ये क्या हो गया, URL हो गया। नाउ नेक्स्ट है IP एड्रेस, द कंप्यूटर कनेक्ट टू ए नेटवर्क इज ऑल्सो नीड टू अलाउ द सम रूल्स टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है कि जब किसी नेटवर्क से कनेक्ट करता है, कनेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स बताता है जिससे आपस में क्या हो, कम्युनिकेट हो। दिस सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। तो ये जो रूल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। द सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क पे यूज करते हैं। हाउएवर द मोस्ट कॉमन वन इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एक उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो इसका एक प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी को बोलते हैं हम TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क यूजिंग द TCP/IP इज नॉन एज द TCP/IP नेटवर्क। ठीक है, जो नेटवर्क TCP/IP नेटवर्क को यूज करता है उसको हम बोलते हैं TCP/IP नेटवर्क। द इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ द TCP/IP नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, TCP/IP का नेटवर्क। देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट ईच डिवाइस शुड हैव द यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई इट ऑन ए TCP/IP नेटवर्क। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जनरली जो जितने भी डिवाइस है, जो भी डिवाइस है पर्टिकुलर नेटवर्क से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके यूनिक IP एड्रेस से हम क्या करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो भी TCP/IP नेटवर्क पे। द यूनिक एड्रेस इज नॉन एज IP एड्रेस। जो ये यूनिक एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। एंड IP एड्रेस इज द शॉर्ट फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, जो IP एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, बोलते हैं इसको हम, दिस इज द IP एड्रेस। एन एड्रेस इज एन आइडेंटिफायर फॉर ए कंप्यूटर और ए डिवाइस ऑन ए TCP/IP नेटवर्क। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है इसी से हम क्या कहते हैं कि किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को हम TCP/IP नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क, अब ये जो IP एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, कितने होता है, 32 बिट्स का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो नंबर्स होता है उसको क्या कहते हैं, एक सेपरेट डॉट से हम क्या कहते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और ईच नंबर कैन बी इन द रेंज ऑफ 0 to 255। ठीक है, ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होगा, 0 to 255 होंगे। जैसे IP एड्रेस का एग्जाम्पल यहाँ पे है, या एड्रेस है जैसे 192.168.1.2। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक IP एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद ही 10.24.1.3, ठीक है, ये एक दूसरा IP एड्रेस हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, तीसरा IP एड्रेस हो गया, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर जो डिवाइस है,
ठीक है, उसका क्या, उसकी लोकेशन या उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक तरह से जो है वो जो बाइनरी फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे पास किया है, जो 256 हमने पास किया, 0 से 256 होता है, ठीक है, ये उसी के बीच में क्या करता है, जो स्पेसिफिक बाइनरी कोड जनरेट करता है, जैसे ये हो गया, फिर यहाँ पे हमने पास किया, दिस इज द बाइनरी कोड एंड दिस इज द बाइनरी कोड एंड दिस इज बाइनरी कोड, ठीक है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है, इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 255 के बीच में ही होगी। द आईपी एड्रेस इज अ कंप्यूटर एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज असाइन बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन प्रोवाइड करता है इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं आईएसपी, हुज इंटरनेट कनेक्शन इज यूज दैट कंप्यूटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसका कि इंटरनेट कनेक्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम गए स्टार्ट, जो विंडो में होता है, विंडो के स्टार्ट में गए, स्टार्ट बटन को क्लिक किया, देन पॉप अप द मेन्यू कंटेनिंग द वेरियस ऑप्शन अपीयर, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे, उसमें जाएंगे हम, ओपन करेंगे रन, है ना, जो एक डायलॉग बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें ओपन में लिखेंगे हम रन, ठीक है, रन उसमें टाइप करेंगे, फिर उसमें टाइप कर देंगे सीएमडी, सीएमडी करके उसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे डायलॉग बॉक्स को, इंटर कर देंगे, फिर एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, उस विंडो में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे विंडो ओपन हो गई, इसमें टाइप करेंगे आईपी कॉन्फिग, ठीक है, ये आईपी कॉन्फिग इसमें टाइप करेंगे और उसके बाद कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद क्या होगा कि जो पर्टिकुलर डिवाइस है, जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इस विंडो का कॉन्फिगर किया, ठीक है, यहाँ पे टाइप किया था आईपी कॉन्फिग, ठीक है, ये टाइप किया, देन यहाँ पे जो डिस्प्ले हो गया, तो ये जो स्पेसिफिक, ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या है, दिस इज द आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस हो गया, ये हो क्या हो गया, उसका सबनेट मास्क हो गया, ये डिफॉल्ट गेटवे हो गया, ठीक है। इसका एक मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ, जो मेरा सिस्टम है उससे मैं आपको डेमोस्ट्रेट। ओके सर, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विंडो होता है, विंडो एक्सप्लोरर होता है, उसके हम स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सर्च, सीधे कर लेंगे सी, इसमें टाइप कर देते हैं रन, ठीक है, रन टाइप कर देते हैं, ओके, फिर ये प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, देन यहाँ पे टाइप करेंगे सी एम डी, ठीक है, तो एक आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको टाइप करना आईपी कॉन्फिग, ठीक है, आईपी कॉन्फिग टाइप कर दिया, देन उसके बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो पूरा पूरा ये आपका जो है, एक स्पेसिफिक आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसमें अलग अलग नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो इसको विंडो कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है एडेप्टर, इसमें आ रहा अननोन एडेप्टर्स, ठीक है, देन उसमें मीडिया इज नॉट कनेक्टेड, मतलब वो अभी करेंटली कनेक्ट नहीं है, फिर अभी जैसे मेरा जो सिस्टम है वो इथरनेट एडेप्टर पे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके अंदर गए, ठीक है, उस कनेक्शन के अंदर उसने उसका स्पेसिफिक नेम बता दिया, देन उसके बाद है लाइन लोकल एड्रेस, ये उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया, जो IP6 एड्रेस होता है, देन उसके बाद हम गए IP4 एड्रेस, दिस इज द आईपी एड्रेस, ये कौन सा हो गया, आईपी एड्रेस, ये क्या हो गया, आईपी एड्रेस है, ठीक है, देन ये इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या हो गया, 192.168.1.35, देन उसके बाद सबनेट मास्क है, ठीक है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, ये है 255, देन .255.255, देन उसके बाद जो डिफॉल्ट गेटवे, ये सभी सिस्टम के लिए एक जैसे ही होता है, जो गेटवे स्पेसिफाई होता है। नाउ वेबसाइट, ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और अदर काइंड ऑफ डिजिटल एसेट दैट आर होस्टेड ऑन वन और सेवरल वेब सर्वर, ठीक है। वेबसाइट क्या हो गए, अलग अलग या डिफरेंट टाइप के जो वेब पेजेस होती है, उसका क्या होती है, वेब पेजेस है, इमेजेस है, देन वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, और जो भी डिजिटल एसिट है ना, एसिट्स है, या उसको उसको क्या करते हैं, उसको जब होस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका होस्ट करने पर क्या होता है कि वो एक तरह से उसका क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाती है, जिसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर हम क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट पेज है या जो ओपन होता है ना, जो जैसे ही वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो फर्स्ट पेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं। देन वेयर ऑल द लिंक्स आर रिलेटेड
ऑफ अदर डॉक्यूमेंट आर डिस्प्लेड। ठीक है, तो इसी होम पेज के अंदर क्या होते हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं या जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके सबके क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं इसमें, डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उसमें फ्लैश भी आएगा, अगर मान लो कि उस कंपनी का मतलब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो उसी के थ्रू क्या होगा, होम पेज के थ्रू डिस्प्ले होगा। द वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट आर रिटन यूजिंग HTML एंड द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट है, वेबसाइट को किस में हम राइट करते हैं, दिस इज द HTML, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या कहते हैं, इसमें ट्रांसफर होता है। द HTML इज डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाइपरलिंक्स दैट आर एक्सेस थ्रू द HTTP प्रोटोकॉल। तो ये जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, ये क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे जो हाइपरलिंक होते हैं, उस हाइपरलिंक के थ्रू क्या होता है, हाइपरलिंक होते हैं, तो जब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे हम क्या कहते हैं, मूव कर लेते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल है जैसे cbc.nic, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट हो गई, देन google.com, ठीक है, ये एक सर्च इंजन है, देन उसके बाद amazon.in, ठीक है, ये एक शॉपिंग साइट हो गई। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स है, तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या कहते हैं, जब हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, एज ए होम पेज क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब इसके जो दूसरे अदर कंटेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। नाउ वेब पेज, ए वेब पेज इज ए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और पेज डिजाइन यूजिंग द HTML। वेब पेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर जिसको हम HTML के अंदर डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो पेज होते हैं। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इज टेक्सचुअल और ग्राफिकल। तो ये जो है टेक्सचुअल या फिर क्या कहते हैं, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करते हैं। द ट्रांसवर्सल वन पेज टू अनदर वेब पेज इज पॉसिबल थ्रू द हाइपरलिंक। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एक पेज से क्या कहते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, जो लिंक होता है, हाइपरलिंक होता है, उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ए वेब पेज कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स। ठीक है, एक वेब पेज को हम क्या, ये जो वेब पेज होते हैं, ठीक है, उसको हम अलग अलग टाइप से, टू टाइप से क्लासीफाई कर देते हैं। पहला होता है स्टेटिक, स्टेटिक मीन्स जो अनचेंजेबल होता है। ओके, तो ए वेब पेज विच डिस्प्ले द नेम सॉरी सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेन एवर ए यूजर विजिट इट इज नोन एज द स्टेटिक वेब पेज। ठीक है, तो जो स्टेटिक वेब पेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, ठीक है, जो यूजर क्या कहता है कि जब उसको जैसे वेबसाइट को बनाते टाइम पे उसमें क्या करता है, कोई डेटा उसमें पुटअप कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होती है कि एज इट इज क्या होती है, स्टेटिक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। स्टेटिक वेब पेज इज जनरली हैज .html एंड .html एज एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो स्टेटिक वेब पेज होता है उसको हम .html और सॉरी htm एंड .html जो एक्सटेंशन होता है उससे क्या कहते हैं, उसको ये शो करता है। डायनामिक वेब पेजेस एंड द इंटरेक्टिव वेब पेज इज द डायनामिक वेब पेज। ठीक है, इंटरेक्टिव मीन्स ग्राफिकल जो वेब पेज होता है ना, जिसमें डायनामिकली क्या होता है कि कंटेंट चेंज होते रहता है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक वेब पेज। ए डायनामिक वेब पेज यूज द स्क्रिप्ट लैंग्वेज टू डिस्प्ले द चेंजिंग द कंटेंट ऑन द वेब पेज सच एज द पेज जनरली हैज .php, .asp एंड .jsp एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो डायनामिक वेब पेज है इसमें क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है और इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके सारे के सारे कंटेंट को वेब पेज पे डिस्प्ले करते हैं। और जो इसका एक्सटेंशन होता है .php होता है, .sp होता है और .jsp होता है, इस एक्सटेंशन को ये डायनेमिकली क्या कहता है, यूज करता है। देन नाउ कम टू वेब ब्राउजर। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन एक्सेसिंग वेब पेजेस एंड दोज इज कॉल्ड द वेब क्लाइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, एक तरह का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू क्या कहते हैं, जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज को क्या कहते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, और जो इसको एक्सेस करता है उसको बोलते हैं हम वेब क्लाइंट। इट हेल्प्स द यूजर टू नेविगेट थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। ठीक है, ये क्या कहता है, जो यूजर्स है, यूजर को क्या कहता है, नेविगेट करता है कि वो क्या करता है कि जैसे इस ब्राउजर को हम ओपन करते हैं तो वो क्या कहता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, उस वेब पेज के उस पर्टिकुलर ब्राउजर में उसका वेब पेज डिस्प्ले कर देता है। सम पॉपुलर वेब ब्राउजर आर मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, AOL, वेबकिट, आइस वेसल और गूगल क्रोम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है,
इसके जो पॉपुलर वेब ब्राउजर है जिसको क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू हम क्या कहते हैं, एक्सेस करते हैं। नाउ वेब सर्वर, ए वेब सर्वर इज ए सर्वर दैट स्टोर द वेब पेजेस एंड व्हेन ए वेब क्लाइंट सेंड एनी रिक्वेस्ट टू ए सर्वर द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले द रिक्वेस्ट वेब पेजेस। ठीक है, वेब सर्वर क्या हो गया कि एक तरह से क्या होता है, एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है जहां पे क्या कहते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं और जो वेब जो पर्टिकुलर जो जो वेब वेबसाइट होती है ना वो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो वेब क्लाइंट होता है वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, सर्वर को, और सर्वर क्या कर देता है उसको, उस सर्वर जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड कर देता है। और मान लो कि अगर वो साइट क्या होती है, वेबसाइट वहीं पे अवेलेबल हो जाती है, तो उस केस में क्या करता है, वो रिक्वेस्ट के साथ में क्या करता है, उस वेब पेज को भी क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ए वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है, वेब सर्वर एक प्रोग्राम होता है जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रन करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है या रन हो जाता है। ए वेब सर्वर इज वेट फॉर ए रिक्वेस्ट, फाइंड द डॉक्यूमेंट एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड एंड सेंड बैक टू द ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट फॉर इट। ठीक है, तो जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट के लिए वेट करता है। ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट क्या होती है, उसके पास क्या हो जाती है, फाइंड हो जाती है, तो उसके साथ में क्या कहता है, उसका जो डॉक्यूमेंट है या उससे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, वेब ब्राउजर को, और वो सेंड कर देता है। ए सिंगल वेब सर्वर मे बी सपोर्ट द मल्टीपल वेबसाइट। तो एक सिंगल जो वेब सर्वर होता है वो मल्टीपल वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है, और ए सिंगल वेबसाइट मे हैव बी होस्टेड द सेवरल लिंक एंड मिरर वेब सर्वर। ठीक है, तो जो सिंगल जो वेबसाइट होती है वो क्या करती है कि जो पर्टिकुलर जो अलग अलग जो वेब सर्वर है, ठीक है, उसके साथ में क्या करती है, उसको या तो होस्ट करेगी, या फिर उसके साथ में सिंगल वेबसाइट को, या फिर क्या करेगी, जो पर्टिकुलर वेब सर्वर उसके तरह उसके साइड में क्या करते हैं, मिरर का, मिरर वेब सर्वर का भी काम करती है। जैसे सपोज क्या हो गया, एक ये वेब ब्राउजर हो गया। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फिर क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायर हो, फायरफॉक्स हो गया। तो यहाँ से क्या हो रही है कि जो रिक्वेस्ट है किसके पास जा रही है, वेब सर्वर के पास जा रही है। ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर कोई वेबसाइट अवेलेबल है या वेब पेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि अगर इस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट अवेलेबल हो जाती है, तो ये क्या करता है, उसके साथ रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, और साथ ही साथ उसके साथ जो पर्टिकुलर जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो भी क्या करता है, इसके पास सेंड कर देता है किस पे, वेब वेब ब्राउजर पे। तो वो फिर क्या हो जाती है, क्लाइंट को डिस्प्ले हो जाती है। कुछ इसमें पॉपुलर वेब सर्वर्स है, लाइक जैसे अपाचे वेब सर्वर है, नेट। नाउ वेब होस्टिंग, द वेब होस्टिंग इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइड बाय द कंपनीज टू इट्स क्लाइंट्स टू अलाउ देम टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेबसाइट विच आर एक्सेसिबल टू द इंटरनेट यूजर बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो होस्टिंग क्या हो गई, होस्टिंग एक तरह की सर्विस होती है जो क्या करते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज होती है, कंपनी क्या करती है, क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट होते हैं उनका जो भी कंस्ट्रक्ट, मतलब जैसे खुद की जो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन की है, ठीक है, उस वेबसाइट को जो पर्टिकुलर जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जो है लोड करने के लिए, या उसको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या करें, उसको एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि अगर मान लो कि वेबसाइट आपने बना ली, अगर आपके सिस्टम में, तो उसको कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी सर्वर के ऊपर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको होस्ट करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी, विजिबल होगी। अदरवाइज आपके सिस्टम पे है तो उसको डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो है, ये बहुत अलग अलग कुछ जो वेब होस्टिंग साइट होती है वो अलग अलग स्पेस प्रोवाइड करती है। सच कंपनीज आर नोन एज द वेब होस्ट। ठीक है, इन कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वेब होस्ट बोलते हैं। दिस कंपनी प्रोवाइड द स्पेस ऑन ए वेब सर्वर दे ऑन फॉर यू यूज बाय द देयर क्लाइंट एज वेल एज प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसका जो मेन काम है, मेन है ये आपको क्या करना है, स्पेस प्रोवाइड करना वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, जिसको क्या हो, जिसके थ्रू क्या हो कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू उसको क्या करे, एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो बहुत ऐसे अलग 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 जो होते हो, होस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज होती है जो आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। ए क्लाइंट कैन ऑल्सो यूज द कंट्रोल पैनल टू इंस्टॉलिंग द स्क्रिप्ट एज वेल एज द अदर मॉड्यूल
एंड सर्विसेज एप्लीकेशन लाइक ईमेल्स। ठीक है, तो ये जो वेब होस्टिंग साइट होती है ये आपको अलग अलग क्या करती है, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पर्टिकुलर जो वेब वेबसाइट है, वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर लोड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से वो क्या होगी उस क्या होगी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये भी होता है कि जो वेब होस्टिंग साइट है वो क्या करती है, अलग अलग एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईमेल आईडी है, या फिर आप उस पर्टिकुलर साइट के अंदर कुछ डायनेमिकली चेंज करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करती है, जो वेब होस्टिंग जो कंपनीज होती है, जो साइट होती है, वो उस टाइप की आपको क्या करती है, अलग अलग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है।